YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं ऊना के एक स्कूल में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय गीत गाने से रोकने का मामला गर्माता जा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने अब में सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शिवसेना हिंद के प्रदेश अध्यक्ष नरेन धीमान ने कहा कि सरकार इस मामले को हल्के में ना ले, इस मामले से जुड़े सभी लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। गौरतलब है कि ऊना जिले के उपमंडल अंब के खरोटा गांव में एक व्यक्ति ने प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय गीत गाने से रोका था और वही इस मामले में डीएसपी का कहना है कि जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मशाला के अंब के एक स्कूल से ऐसी घटना सामने आई है जहां पर राष्ट्रगीत गाने से बच्चों को मना किया गया है। राष्ट्रगीत गाने से रोकने का मामला है और यहां पर आश्वासन दिया है कि जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। हिंदू संगठन ने हालांकि कार्रवाई की मांग की है और यहां पर डीएसपी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। यहां पर राष्ट्रगीत को न गाने के लिए रोका गया था और हिंदू संगठन ने कार्रवाई की इसी के साथ मांग की है। आज एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है ग्राम पंचायत नरिया के प्रधान की तरफ से कि वहाँ पर कोई स्कूल है प्राइमरी, वहाँ पर बच्चों को राष्ट्रीय गान का करना से रोका गया है। राष्ट्रीय गान गाने से ये शिकायत प्राप्त हुई है प्रधान की तरफ से और ये एक तमंच है जो तमंच की तरफ से इसकी जांच करवाई जाएगी और जैसे भी होगा कानून के अनुसार कार्रवाई।